देखिए, जिस तरह अम्बेसडर साहब ने फरमाया, रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, जनरल असेंबली ने और यूएनसीआईपी ने दी कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। अब देखिए, हर जो रेजोल्यूशंस हैं, हर जो डिसीजंस हैं, उनका सर एक सर नेक्स्ट। मैं थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ। कश्मीर के इलहाक का फैसला, इसमें सर ये मैं ऐड करना चाहूँगा, जो यूएन, अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशन जी, कश्मीर के जो के यूएन इलहाक इलहाक का रेजोल्यूशंस, फैसला। जी, कश्मीर के इलाक का फैसला जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक बड़ा वाजे है, उसका प्रोसेस उसका प्रोसेस ये है कि एक प्लेबिसाइड यूनाइटेड नेशंस की सुपरविजन में करवाया जाएगा इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग नॉर्दर्न एरियाज। ये भी मैं क्लैरिफाई करता चलूं कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस है वो बड़ा क्लियरली डिफाइन करती हैं स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को, आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, ये भी कश्मीर का हिस्सा है। यहाँ पे अवाम को यूनाइटेड नेशंस के सुपरविजन में एक प्लेबिसाइट करवाया जाएगा और वो अपना राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू चूज यूज करते हुए डिसाइड करेंगे कि उनको पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ। जी अब सर, इन रेजोल्यूशंस का, जो पहली रेजोल्यूशन 1948 में यूएनसीआईपी ने दी, फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने भी दी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान को करना था वो पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया। और ये मैं हजारों दफा दोहरा चुका हूं, टीवी शोज में भी, लेक्चर्स में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, अपनी मीटिंग्स में भी, ये मैं दोहरा चुका हूं। और पाकिस्तान ने ना सिर्फ आज तक वो स्टेप नहीं लिया, बल्कि अभी तक कोई ऐसे चांसेस नजर नहीं आ रहे कि पाकिस्तान इस स्टेप को लेने में सीरियस है। अब वो स्टेप क्या है, मैं बड़े आसान अल्फाज में, ताकि आपके व्यूअर्स जो हैं वो भी इस चीज को समझ सकें बजाय टेक्निकलिटीज में स्टकअप होने के। जिस तरह अगर मैं आपके घर को, साबिर साहब, आपके घर पे मैं कब्जा नाजायज करता हूं, आप वो कब्जा छुड़ाने के लिए दो तरीके हैं, सिर्फ दो मुजवजा तरीके हैं आजकल के दौर में। या तो आप ताकत के जरिए वो कब्जा ले लीजिए, या आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन लेके अदालत में जाइए, अदालत में अपनी ओनरशिप अप्रूव कीजिए और अदालत फिर आपके हक में एक डिग्री दे देगी, एक डिसीजन जजमेंट दे देगी कि ये घर साबिर सुबहानी साहब का है, ये उनको उनके हवाले करवा दिया जाए। लेकिन अदालत आपको कब्जा नहीं दिलाती, कब्जा दिलाने के लिए आपको लॉ एनफोर्समेंट का मदद लेनी पड़ती है। अब वो या तो अदालत का छोटा मोटा केस हो तो अदालत का बेलिफ जाके अदालत की जजमेंट को एनफोर्स करवाता है, या आप पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस उस जजमेंट को एनफोर्स करवाएगी। सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द कोर्ट जजमेंट। यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम में जब रेजोल्यूशन कोई अडॉप्ट किया जाता है तो उसकी एनफोर्समेंट के लिए, स्पेशली राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और प्लेबिसाइट की एनफोर्समेंट के लिए, एक खसूसी डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस का, उसको कहते हैं फोर्थ कमेटी। छह मेजर कमेटियों में से एक कमेटी है। फोर्थ कमेटी का नाम भी मैं आपको बताऊं, बड़ा क्लियर है, इट्स वेरी क्लियर। फोर्थ कमेटी का नाम है स्पेशल पॉलिटिकल एंड डी कॉलोनाइजेशन कमेटी, डी कॉलोनाइजेशन कमेटी। सो प्लेबिसाइड के लिए उन रेजोल्यूशंस को सबमिट करवाना था और फॉर्मल दरखास्त देनी थी पाकिस्तान ने फोर्थ कमेटी को कि ये आप इसका अरेंजमेंट करवाइए। वो आज तक, मैं आपको आज की तारीख, मेरे सामने ही मेरे लैपटॉप पे ये लेटेस्ट जो आज की यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम में है, आज तक पाकिस्तान ने वो फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं की। एंड दिस इज नॉट अ नेग्लिजेंस, दिस इज अ क्राइम। ये क्राइम है 25 करोड़ पाकिस्तानियों के खिलाफ, ये क्राइम है 1 करोड़ 60 लाख कश्मीरियों के खिलाफ, और ये क्राइम है पिछले 76 साल से जारी है।